सर बस एक और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं भी जानना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमें अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास या तो लेफ्ट साइड के ब्रेन हो या फिर राइट साइड पे, राइट। तो फॉर एग्जांपल मेरे जो राइट साइड है मेरे हाथ में, तो यहाँ पर जो पैरालिसिस हो रही थी मेरी राइट साइड पर थी, यानी कि जो मेरा जो ब्रेन है वो लेफ्ट साइड से वो इफेक्ट कर रहा था, राइट। तो अगर मेरे पास, हमने जैसे बताया कि अगर हमें राइट साइड पे है यानी कि हमारे चलने में प्रॉब्लम होगी, और अगर लेफ्ट साइड पे है इसका मतलब है कि हमारे स्पीच के अंदर प्रॉब्लम होगी, राइट। तो अब मेरे साथ जो हमारे साथ रहा, मुझे जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा था, अगर कोई मुझे एक पेपर के अंदर लिखा है कि क्या लिखा हाँ, हुआ क्या है तो लिखा मैं हुआ है, बिल्कुल नहीं नॉट पढ़ एबल पा रहा हूँ टू। आपने क्या रहा, मुझे ये समझ पे आया कलर के कलर चीज़ें क्या है, मेरा नाम क्या है। जैसे हम लोग, मुझे वो रिमेम्बर वो याद है कि हम लोग उस समय पर ICU में थे और मैं आपसे पूछा था कि मैं कौन हूँ, मेरे बारे में जानो जानो, बट किसी को पता नहीं चला था कि क्या है। तो बेसिकली काफ़ी चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती हैं उस पर। तो वो चीज़ें क्या क्या यहाँ पर है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में क्या था कि मैंने प्रोसेस के उसके बाद क्या, पूरी प्रोसेस हम लोग क्या रहे थे हम लोग, कि मैं करने के बाद हम लोग यहाँ से 40 से हम लोग आए थे, फिर हमने थोड़ा सा थोड़ी पढ़ा हम लोगों ने कि यहाँ पर कलर्स क्या क्या होते हैं तो मैंने पढ़े पहले, फिर हमने ABCD और ये सब चीज़ें मुझे पढ़नी पड़ी उस समय पर, या फिर हमारे पास स्पीच की चल रही थी जिसमें स्पीच प्रॉब्लम, थेरेपी चल स्पीच की रहे थे। प्रॉब्लम राइट चल रही थी, काफ़ी चीज़ें वो राइट सब चल राइट रही थी। तो ऐसे और कौन क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उससे रिकवरी के लिए और क्या क्या लोग कर सकते हैं जिन लोगों को ब्रेन स्ट्रोक तो हुआ है? देखिए हिमांशु, ऐसे हैं, पहले जैसे बताया, हमारा ब्रेन का जो क्रिस क्रॉस है, मतलब हमारा जो राइट साइड का ब्रेन, राइट साइड का जो ब्रेन है वो हमारा लेफ्ट साइड बॉडी कंट्रोल करता है। राइट साइड का जो बॉडी है दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द लेफ्ट साइड, नंबर वन। नंबर टू, जो राइट हैंडेड पर्सन है, इवन वो द लेफ्ट हैंड पर्सन ऑल्सो, जो लेफ्ट साइड का ब्रेन जो हम कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड का ब्रेन मोर इम्पोर्टेंट है। दोनों इम्पोर्टेंट है, बट लेफ्ट साइड मोर, इट टेक्स मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन स्पीच, जो हम बोलते हैं, बातचीत जो करते हैं, उसका सेंटर आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में रहते हैं। जो नियर बाई एरिया है, एसोसिएशन से जो एरिया है, उससे हमें स्पीच का कंप्रिहेंशंस एंड ऑल दिस थिंग्स जो है स्पीच का, वो कोरिलेट करते हैं। जैसे आपको हुआ था, उसके वजह से आपने अच्छे से कौन सा क्या चीज़ है वो कोरिलेट नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल उसी के बिल्कुल वजह से। सिमिलरली हमारा पीछे का, जैसे आई का हमारा विजन जो ट्रैक है, जाके ऑक्सीपिटल पीछे जो पार्ट है वहाँ पे जाके एक सेंटर है, वहाँ पे होता है और वहाँ पे सब कुछ पता चलता है कि कौन सा विजन कहाँ पे है, कैसे है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वेरी नाइसली मेड। सो पीछे का जब स्ट्रोक होता है, उस एरिया में इन्वॉल्व होता है, तो आपको विजन्स का प्रॉब्लम होगा। तो जैसे मैंने पहले भी बताया ना, कि जैसे दोनों आंखों से देख रहे हैं तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि कभी कभी एक जो थोड़ा सा कुछ विजन्स का एक आंखों में प्रॉब्लम है तो दूसरा कंपेंसेट करने के लिए ट्राई करते हैं। तो आप इसे दोनों आंखों से देखेंगे तो पता नहीं चलेगा, तो एक आंख बंद करेंगे तो आपको ऑब्वियस दिखाई देगा, अरे यार मैं तो ये एरिया हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सो दिस इज हाउ। सिमिलरली जैसे आपको ब्रेन का कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें कि उसके वजह से आपको जस्ट ओनली हाथों में कमजोरी आ सकता है, पाव पूरा ठीक है, इस तरह हो सकता है। तो ये ऑल डिपेंड्स अपॉन कि ब्रेन का कौन सा एरिया इन्वॉल्वमेंट उसके है। हिसाब से काम करना ब्रेन पड़ेगा। में कुछ एरिया ऐसा होता है जिसके वजह से आपको हाथों पाँव में कमजोरी नहीं है, जैसे थैलेमस में इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको वहाँ पे ना सेंसेशन काफ़ी अजीब सा सेंसेशन होते रहेगा, पेनफुल सेंसेशन रहेगा, परस्थिशस रहेंगे, नामनेस रहेगा, लेकिन वीकनेस नहीं होगा, तो इस तरह का सिम्टम्स आ सकते हैं। सो ऑल डिपेंड्स अपॉन कि ब्रेन का कौन सा एरिया इन्वॉल्वमेंट हुआ। तो सर अब जैसे फॉर एग्जांपल कई जगह पर मैं चेक किया था कि हमारे पास जब ब्रेन स्ट्रोक होता है तो उसमें MRI होना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सर हमें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और उसका या तो फट गया है ब्लड, या फिर आप उसे क्लॉट हो गया है, तो उसके बिना भी पता चल सकता है कि सर बिना MRI के बिना पता चल जाए कि वहाँ पर, जरूर। सो राइट हमें MRI एब्सोल्युटली ज़रूरत है बोल के ऐसा नहीं है, हम राइट सिटी स्कैन से साथ आराम से कर सकते हैं, इवन दवाई भी शुरू कर सकते हैं हम। किसी को ब्रेन में क्लॉट जाने की वजह से स्ट्रोक होता है तो सबसे पहला काम है कि सिटी स्कैन करना है, MRI करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, सिटी स्कैन से भी आराम से हो सकता है। सिटी स्कैन करके हमने देख लिया कि हाँ ब्लीड नहीं है, इनको स्ट्रोक क्लॉट की वजह से हुआ है, फिर हम दवाई जो जैसे घुलने वाला जो दवाई है हम दे सकते हैं। सीटी एंजियोग्राफी करके हम देख सकते हैं कि ब्रेन में क्लॉट कहाँ पे है, रास्ता कहाँ पे ब्लॉक हुआ है, और ब्रेन का कितना एरिया जो है, जैसे सीटी परफ्यूशन हम करते हैं, वो अलग अलग स्टडी है, सिटी में ही कर सकते हैं, उससे हमें ये पता चलेगा कि ब्रेन का कितना एरिया जो डैमेज हो गया है, कितना एरिया हम सेव कर सकते हैं, है ना, उसके राइट ऊपर ही हमें ट्रीटमेंट जो है डिपेंड करता है। करेक्ट मतलब जैसे इतना एरिया ब्लड सप्लाई आपको उसी एरिया से मिलने वाला है,
तो आप जब तक आए तो इतना एरिया डैमेज हो चुका है, लेकिन इतना सा एरिया जो है हम अभी भी सेव कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। पकड़ लीजिए हमारे पास वो जो बंदे हैं उन्होंने काफी लेट आया है और जब तक आया काफी एरिया डैमेज हो चुका है, तो हम वो जो क्लॉट रिमूवल वाला है खून पतला करने वाली दवाई देके फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि हम उसको क्लॉट रिमूव भी कर देंगे तो ज्यादा एरिया सेव नहीं कर पाएंगे, जो एरिया डैमेज होना था हो गया है ना। सो ये सारा जो डिसीजन है हम सिटी के ऊपर आराम से ले सकते हैं, सिटी के ऊपर फास्ट भी होता है और कॉस्ट भी कम पड़ता है। ऑल्दो कोई कोई सेंटर जैसे एमआरआई बेस्ड होता है, कोई कोई सेंटर सिटी बेस्ड होता है, तो इसके कोई जो सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है, बट सिटी के साथ भी हम ये डिसीजन ले सकते हैं। राइट तो सर वन मोर थिंग, जो एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल किसी ऊपर ब्रेन स्ट्रोक होता है और रास्ते में हमें कोई डॉक्टर ना मिले कोई अच्छा, जैसे मेरे क्लास में हम लोग जब मैं ब्रेन स्ट्रोक मुझे हुआ था तो मैं 40 में मैं गया था दिल्ली के अंदर ही, लेकिन वहाँ पर उस समय पर न्यूरोलिस्ट जो डॉक्टर थे वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। फिर हमें वहाँ से शिफ्ट किया, वहाँ से हमें गुड़गांव के अंदर, और फिर यहाँ पर हमारी दवाई वहाँ पर चली थी। तो इज इट इम्पॉर्टेंट कि उस समय पर अगर आसपास में कोई डॉक्टर ना मिले, हम लोग दिल्ली के अंदर है राइट, दिल्ली के अंदर मुंबई के अंदर ये बहुत बड़ी कंपनीज काफी जगह पर है कि हम कुछ अवेलेबल है, लेकिन काफी लोग गांव से हैं, समझ गया, गांव के पास हो जाए तो उस केस में क्या कर सकते हैं फास्ट, अगर उसको बोल सकते हैं कि देखिए सबसे पहला तो मेरा सलाह ये रहेगा सबसे पहले स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करें नंबर वन। जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रोक किसी को लगता है कि हाँ ये स्ट्रोक लग रहा है, तब मैं ये बोलूँगा कि आपके जो रिलायबल जो डॉक्टर हैं जिसके साथ आपका फैमिली फिजिशियन है उनके साथ डायरेक्टली बोलिए कि ये शायद मुझे स्ट्रोक लग रहा है इस तरह का, सो डॉक्टर साहब मैं कहाँ पे जाऊँ जहाँ पे ये ट्रीटमेंट अवेलेबल हो सकता है ना। तो मैं ये नहीं बोलूँ कि मेरे पास ही आए, इतना पॉसिबल नहीं है। तो आपके जो नियरेस्ट जो सेंटर है जहाँ पे स्ट्रोक के ट्रीटमेंट हो रहा है, जहाँ पे स्पेशली न्यूरोलॉजिस्ट हैं वहाँ पे स्ट्रोक का एटलीस्ट आपका इंजेक्शन से शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ पे जाए और स्ट्रोक का ट्रीटमेंट अवेलेबल उसका ट्रीटमेंट लीजिए, है ना। सो जहाँ पे इसका स्ट्रोक का रेडी सेंटर जिसको आजकल हम बोल रहे हैं वहाँ पे है, तो वहाँ पे जाइए। मेरे केस में आई वाज वेरी यकी की बिकॉज मैं घर पर था, तो मेरे घर के साइड में जो थे एक डॉक्टर थे एंड शी इज लाइक वो टीबी के डॉक्टर थे, समझ गया, तो उन्होंने देखा, उन्होंने देखते ही उन्होंने बताया कि कितना बहुत ही अच्छा एडवाइस दिया, सच में सामने ही थे वो बिल्कुल, एंड यू हैव डन सच ए गुड थिंग। साथ ही साथ आपने डॉक्टर साहब का सलाह लिया और डॉक्टर साहब ने आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया, राइट, उसके आपने टाइम पे पहुंच गए गोल्डन आवर पे, आपको इंजेक्शन भी मिल गया और क्लॉट भी आपको रिमूव हो गया। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू एक्चुअली। सर आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं हम लोगों ने, एंड आई होप कि काफ़ी लोग मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आपका चैनल भी है, सर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब सर 40 में अगर आप कुछ कर डिस्कस करना है तो सर से भी आप बात कर सकते हैं, राइट। तो हमें आज इतनी चीज़ें, ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी को शायद मिलने को नहीं मिलता। लाइक हम लोगों को देखा है कि हम लोगों ने किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो लोग बोल सकते हैं कि सर मुझे हार्ट अटैक हुआ है, राइट, दिखा सकते हैं कि देखो मेरे को वो हुआ है, राइट। लेकिन ब्रेन स्ट्रोक होता है तो कोई फेस से देख नहीं बता सकता कि आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, यू नो थोड़ा सा कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। कुछ छोटी छोटी चीज़ें लोगों को पता होना चाहिए। लोगों को हार्ट अटैक तो हर किसी को पता है पर ब्रेन स्ट्रोक नहीं पता। मैं वही बोलूंगा कि देखिए हार्ट अटैक क्योंकि मूवीज में सभी जगह पे आपको किसी को भी कुछ सीन दिखाना है, सीन क्रिएट करना है, तो हार्ट अटैक बड़ा दिखा देते थे कि सीरियस है, बट सिमिलरली द ब्रेन अटैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इतना कॉमन है कि 1 in 4 अभी जो है, आप 4 बंदे को यहाँ पे बैठा दीजिए एडल्ट, उसमें से 1 बंदे को सारा मतलब ओवर द ईयर्स कैन डेवलप स्ट्रोक। सो 1 in 4 कैन हैव ए स्ट्रोक, मतलब इतना कॉमन चीज़ है। तो इसीलिए इसका जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है और इट्स अ वेरी डिवास्टेटिंग थिंग। द मोस्ट गुड थिंग इज दैट इसको ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उससे हमें कंप्लीट रिकवरी हो सकता है। एक मुझे याद आ रही है जब मूवीज में ऐसा होता था कि लोग उसे आज कुछ रात रात किसी को कुछ लड़ाई मतलब वो कुछ लग गया और भूल गया कि क्या हुआ, मैं कौन हूँ, हु एम आई, और वो ऐसे लगता है कि यार अचानक रात को कुछ हुआ किसी से, गिर गया या फिर कुछ थर्ड सिर पे लगा और उसके बाद उसकी मेमोरी याद आ गई। तो ऐसा तो नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं होता, दिस इज नॉट लाइक स्ट्रोक मैजिक ये थिंग, बट ट्रीटमेंट के साथ मैजिक होता है, ट्रीटमेंट के साथ काफी मैजिक होता है, हमने देखा है, हमने ऑन टेबल पे ट्रीटमेंट के साथ मैजिक होता है। सो मैं अंत में एक चीज़ दोबारा बताना चाहूँगा कि किसी को स्ट्रोक होता है तो स्ट्रोक का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। 2 प्रकार का ट्रीटमेंट हम देते हैं, एक तो हम इंजेक्शन देते हैं कि
हम जो स्ट्रोक के बारे में वो क्लॉट के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। I had both of them. मेरे साथ दोनों हुआ था शायद। हाँ। So आपके जो क्लॉट के वजह से जो है स्ट्रोक के जो क्लॉट के वजह से होता है उसमें हम एक इंजेक्शन देते हैं जिसमें कि ब्रेन के जो क्लॉट है उसको घोलने के लिए दवाई दिया जाता है, और साथ ही साथ हमें ये जो क्लॉट का मात्रा ज्यादा है, मेजर आर्टरी ब्लॉक हो गया है, तो हमें अंदर अंदर से कोई ओपन सर्जरी करने की जरूरत नहीं, अंदर अंदर से ब्रेन तक जा सकते हैं, उसको क्लॉट को खींच के निकालना। हमारा सिंपल टारगेट है कि जो क्लॉट है उसको जल्दी से खोलना है, जो रास्ता बंद हो गया उसको खोलना है, सो दैट कि ब्रेन के डैमेज है वो कम हो जाए। राइट। सो फॉर एग्जांपल मेरे केस में 40s में जो हम लोग गए थे, 40s में तो सबसे पहले मेरे डिसॉल्व कर रहे थे, कर ले मतलब दवाई दिया है, फिर आप हमारे पास उसके बाद में यहां पर हमने क्लॉट के जो है रिमूव किया था। राइट राइट राइट। सो वैसे आज सर हमने बहुत बातें करी, थैंक यू सो मच आपसे मिलने के लिए। और या हिमांशु, बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा, स्पेशली मुझे इसलिए अच्छा लगा कि तुम यू आर एन एम्बेसडर फॉर स्ट्रोक अवेयरनेस कैंपेन। सो सच एन वंडरफुल गाय, बहुत अच्छा लगा, और तुमने स्ट्रोक के हमें वो कैंपेन अवेयरनेस जो प्रोग्राम है आगे लेके जाना है, जिसके सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट है और आप इसका ट्रीटमेंट के साथ कंप्लीट रिकवरी हो सकता है। हम अभी दोबारा मिलेंगे आपके साथ और भी कुछ कुछ चीज़ बातें करेंगे स्ट्रोक के लिए। बिल्कुल हिमांशु, जस्ट मोर थिंग, अगर जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा कमेंट है यहाँ पर वीडियो के अंदर आप चेक करोगे, वहाँ पर कमेंट्स में हमारे पास ईमेल आईडी होगी, मेरे पास भी होगी और सर के लिए भी होगी। अगर मेरे बारे में, बिकॉज आई हैड अ ब्रेन स्ट्रोक, अगर मेरे बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, उनकी फैमिली वगैरह जानना चाहते हैं कि मेरे की फैमिली में किसी को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और उस बारे में कुछ कॉल कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज फ्री। अगर आप सर के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं तो सर का कॉन्टैक्ट नंबर भी है या फिर उनका ईमेल आईडी भी है, तो उस से डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं, तो वो आपको हेल्प जरूर करेंगे। राइट। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।